स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? मजे में ना? ओके, वेलकम टू स्टैंडर्ड 6, चैप्टर नंबर 10, पिता का पत्र। पिता का पत्र एक पत्र प्रकार है जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में 14 नवंबर को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए नेहरू जी को इंग्लैंड भेजा गया। वहां से वकालत की शिक्षा पूरी कर वे भारत लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। भारत की दशा देखकर देश को आज़ाद करने की भावना उनमें बलबती हो गई, यानी कि उनके दिलो दिमाग में ऐसा हो गया कि मुझे अपने देश को आज़ाद करवाना ही है। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ये जीवन में 9 बार जेल भी जा चुके हैं। लंबे संघर्ष के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कई योजनाएं चलाई, बड़े बड़े कारखाने, प्रयोगशालाएं और भाखड़ा नांगल बांध जैसी परियोजनाओं की व्यवस्था की। नेहरू जी कुशल राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि के विचारक, लेखक और वक्ता थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचना थी। 27 मई 1964 में एक लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। तो चलो आओ देखें पिता का पत्र। प्रस्तुत पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा गया है। ये पत्र का एक अंश हमें यहाँ दर्शाया गया है। नेहरू जी ने स्वतंत्रता से पूर्व कारावास के दौरान नैनी जेल से उन्हें संसार की जानकारी देने के उद्देश्य से अनेक पत्र लिखे थे, उनमें से यह एक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि नेहरू जी ने आदमी के कितने दर्जे बताए हैं। सबसे पहला दर्जा किसान और मजदूरों को दिया जाता है। किसानों की और मजदूरों की हालत हमारे देश में कैसी है, दयनीय, वो बताया गया है। उनकी मेहनत का काफ़ी हिस्सा जमींदार, राजा और बीच के आदमी खा जाता है। मंदिर है तो मंदिर भी कब्जे किए जाते हैं। जिस मंदिर में, जिसकी ज़मीन में मंदिर बनाए जाते हैं वो ज़मीन और मंदिर उसका हो जाता है। पुजारी तो रोज़ रोज़ नए बदलते रहते हैं। उसमें से ये भगवान को भी क्रोधी, निर्दयी समझते हैं और उनका गुस्सा शांत करने के लिए कई बलिया और कुर्बानी चढ़ा देते हैं। अब तक हमने इतना देखा, अभी हम आगे देखेंगे कि पत्र में क्या है। इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। हमें लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि उस समय के जो अनपढ़ लोग थे वो देवी देवताओं को आम मानवियों की तरह, आम इंसानों की तरह ही समझते थे कि देवताओं को भी क्रोध आता है, वो भी निर्दयी है और उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए या फिर उनको खुश करने के लिए कई कुर्बानी देनी पड़ती थी। तो ऐसे देवताओं के लिए भी मंदिर बनने लगे। मंदिर के भीतर मंडप होता था जिसमें देवता की मूर्ति होती थी। मंदिर कैसा था कि उसमें एक मंडप बना हुआ होता है और उसके अंदर एक कोई भी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। वे किसी ऐसी चीज़ की पूजा करते जिसे वे देख ही न सके। उस समय की पूजा कैसी थी कि ऐसी चीज़ की पूजा कि जो वो पूजा करते थे
वो किसी को नजर ही न आए। यह जरा मुश्किल है, तुम्हें मालूम है कि छोटा बच्चा उन्हीं चीजों का ख्याल कर सकता है जिन्हें वह देख सकता है। नेहरू जी इंदिरा जी को क्या बताते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कि क्या आपको मालूम है कि हर एक छोटा बच्चा अपनी चीजों का इतना ख्याल रखता है कि जिन्हें वो देख सके। हमारे पास कोई चीज हो, वो हमें देखी, हम उसको देख ही ना पाए तो हम उसको संभालेंगे कैसे। तो यहाँ नेहरू जी भी इंदिरा जी को यही बता रहे हैं कि कोई भी छोटा बच्चा भी अगर हो ना, तो अपनी चीज जिसे वो देख सके उसका वो ख्याल रख सकता है। लेकिन यहाँ तो ये लोग ऐसी पूजा कर रहे हैं कि जिसकी पूजा कर रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। शुरू के ज़माने के लोगों की हालत कुछ बच्चों की सी थी। पहले के ज़माने के लोगों की हालत क्या थी? बच्चों जैसी थी। चूंकि वे मूर्ति के बिना ही पूजा नहीं कर सकते थे, वे लोग मूर्ति के बिना पूजा नहीं कर सकते थे, इसीलिए अपने मंदिरों में मूर्तियाँ रखते थे। इसलिए मंदिर में तो मूर्ति होनी ही चाहिए, तो वे लोग भी मंदिर में मूर्ति रखते थे। यह कुछ अजीब बात है कि वे मूर्तियाँ बराबर डरावने कुरूप जानवरों की होती थी। नेहरू जी ने क्या बताया कि उन्हें ये बात कुछ अजीब सी लगती है कि वो जो मूर्तियाँ होती थी मंदिर के अंदर मंडप बनाकर उसके बीच में जो मूर्ति स्थापित की जाती थी, वो मूर्ति कैसी थी? डरावनी, मतलब हम उसे देखें तो हम भी डर जाए, या कुरूप जानवर की जिसे हमारी आंखें देखना पसंद न करे, ऐसे जानवरों की कुरूप नजर आने वाली मूर्तियां स्थापित की जाती थी। या कभी कभी आदमी और जानवर की मिली हुई, तो कभी कभी कैसा होता था कि आधा जानवर और आधा आदमी, ऐसी दोनों की मिली हुई मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाती थी। मिस्र में एक जमाने में बिल्ली की पूजा होती थी, और मुझे याद है कि एक दूसरे जमाने में बंदर की। नेहरू जी बता रहे थे एक जमाने में बिल्ली की पूजा की जाती थी, यानी कि मंदिर में बिल्ली की मूर्ति स्थापित की जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी। और एक दूसरे जमाने में तो क्या कि बंदर की मूर्ति की पूजा की जाती थी। समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे। पंडित जी इंदिरा गांधी को बता रहे हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा लोग क्यों करते थे। अगर मूर्ति ही पूजना चाहते हैं तो उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाते थे। सही बात है, अगर आपको मूर्ति पूजा ही करनी है तो हम जिस मूर्ति को देखें वो मूर्ति हमें देखने में अच्छी लगे, हमारे मन को शांति दे, और हमारे साथ वो मूर्ति का और मूर्ति का हमारे साथ लगाव हो जाए, ऐसी खूबसूरत मनमोहक मूर्ति वो क्यों नहीं रखते थे और उनकी पूजा क्यों नहीं करते थे। लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता डरावने होते हैं। वो लोग तो क्या थे, आदिवासी जंगली टाइप, अनपढ़ गवार, तो उन्हें क्या पता था कि देवता किस टाइप के होते हैं। तो उनके दिमाग में यही ख्याल रहता होगा कि देवताओं की मूर्ति तो इसी प्रकार की होती होंगी, डरावनी और भयानक, इसलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्तियां बनाते थे। इसी विचार से वे लोग देवताओं की इस तरह की भयानक मूर्ति ही बनाते थे। उस जमाने में शायद लोगों को यह ख्याल नहीं था कि ईश्वर एक है या वह कोई बड़ी ताकत है। देखो यहाँ पंडित जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि शायद उस जमाने के लोगों को ये पता नहीं था कि ईश्वर एक ही है। हमने ईश्वर के अलग अलग रूपों और उनके नामों को बनाया है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, भगवान तो एक ही है, लेकिन हमने उनके अलग अलग रूप बना दिए हैं और उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसा लोग आज समझते हैं, वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं
जिनमें शायद कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती होंगी। ये लोग कैसा सोचते हैं कि भगवान तो बहुत सारे होते हैं, उनमें कुछ देवता है कुछ देवी है, और उनमें भी शायद ये ऐसा सोचते हैं कि भगवान के बीच में भी शायद कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता होगा। अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग अलग होते होंगे। उन्होंने क्या बताया, नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि उन लोगों की उस समय की सोच ऐसी थी कि अलग अलग प्रांत के मुताबिक अलग अलग देवी देवता होते होंगे। मंदिर में बहुत से पुजारी या पुजारिने होती थी। मंदिर में एक से ज्यादा पुजारी होते थे और कभी कभी वहाँ लेडीज भी हुआ करती थी पुजारी के रूप में। पुजारी लोग आमतौर से लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। पुजारी कैसे थे, पढ़े लिखे और दूसरों से ज़्यादा, इसलिए राजा लोग उनसे सलाह लिया करते थे। पुजारी पढ़े लिखे थे तो उनमें ज्ञान की मात्रा भी ज़्यादा होगी, तो राजा उनसे सलाह मशवरा करते थे। उस जमाने में किताबों का लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम था। उस समय में किताबें कौन लिखता था, पुजारी, और उनकी नकल, मतलब कोई एक लैंग्वेज में लिखा है और उसको दूसरी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है, तो वो काम भी पुजारी ही किया करते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज था। और नॉलेज क्यों था, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, इसीलिए ये काम उनका था। उन्हें कुछ विद्याएं आती थी, इसलिए वे पुराने जमाने के ऋषि समझे जाते थे। पुजारी पढ़े लिखे थे, उनके पास ज्ञान था और कुछ विद्या भी वो जानते थे, इसीलिए उस समय के वो ऋषि समझे जाते थे। वे हकीम भी होते थे और महज यह दिखाने के लिए वे लोग कितने पहुँचे हुए हैं, वे लोगों के सामने जादू के कर्तव्य किया करते थे। ये जो पुजारी होते थे ये पढ़े लिखे होते थे, वो कुछ लिखना भी जानते थे, उनके पास कई सारे विद्याएं भी होती है, और हकीम यानी कि वो कुछ दर्द का इलाज करना भी जानते थे। लोग सीधे और मूर्ख तो थे ही, वे पुजारियों को जादूगर समझते थे और उनसे थर थर कांपते थे। उस समय के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो मूर्ख होते, जो पढ़े लिखे नहीं ना उनकी थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो कुछ सोच ही नहीं पाते, तो वो पुजारी को जादूगर समझते थे और उनसे बहुत ही डरते थे। पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की जिंदगी से झीले मिले जुले रहते थे। पुजारी कैसे थे कि वो हर तरह के आदमियों की जिंदगियों से मिले जुले, क्योंकि पुजारी को सब कुछ आता था, पढ़े लिखे थे, उसके पास विद्या थी, वो वेद का काम करते थे, तो वो सभी लोगों से हिल मिल जुल कर रहते थे। वही उस जमाने के अकलमंद आदमियों में थे और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी उनके पास आता था। एक पुजारी को ही एक अकलमंद आदमी समझा जाता था और सभी मुसीबत के समय हर एक आदमी और बीमारी के समय भी पुजारी के पास आता था। वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतजाम करते थे। पुजारी का क्या काम था कि जब भी कोई त्यौहार आए तो सभी के लिए त्योहारों का इंतजाम भी किया करते थे। उस जमाने में पंचांग या पत्र न था। आपको पता है पंचांग क्या होता है? पंचांग एक ऐसी बुक है, उसमें तिथि दर्शाई गई होती है, दिन दर्शाया गया होता है, आज की दिनांक यानी कि डेट तारीख दिखाई गई है, कौन से साल का वो पंचांग है, और हर एक दिन के मुताबिक उनमें कौन सा दिन है यानी कि पंचांग है, आज ये जयंती है, आज इस भगवान का पाठोत्सव है, आज इस मंदिर में ये है, आज वहाँ पर ये, सब कुछ वो पंचांग में दर्शाया जाता है। लेकिन उस जमाने में पंचांग या कैलेंडर वगैरह नहीं होता था। खासकर गरीब आदमियों के लिए वे त्योहारों से ही दिनों का हिसाब लगाते थे।
उस समय के लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, पंचांग या कैलेंडर नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, जब भी कोई त्योहार आता था ना, तब उस हिसाब से वो अपने दिमाग में सोचते थे कि आज ये त्योहार है तो अब इतने दिनों के बाद ये आएगा, उस तरह से वो हिसाब लगाया करते थे। पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा देते। देखो पुजारी क्या करते कि आम जनता को वो ठगते, क्योंकि वो लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको जो बोलो वो वैसा करते और उनको कभी कभी वो धोखा भी देते थे। लेकिन इनके साथ कई बातों में उनकी मदद भी करते और उन्हें आगे भी बढ़ाते। लेकिन सभी बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो उनको मदद भी करते और आगे बढ़ने की सलाह भी देते। मुमकिन है कि जब लोग पहले पहले शहरों में बसने लगे तब उन पर राज करने वाला राजा न रहकर पुजारी ही हो। पहले क्या है, मुमकिन है, यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं कि पहले पहले शहरों में बसने से अच्छा है कि राजा पर राज करने वाला पुजारी ही बने, बाद में राजा आए होंगे क्योंकि वो लोग लड़ने से ज्यादा होशियार थे। उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा, बाज जगहों में एक ही आदमी राजा और पुजारी दोनों होता होगा। जैसे मिस्र में फिर उन लोग अपनी जिंदगी में ही आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद वे पूरे देवताओं की तरह पूजे जाने लगे। यहाँ पंडित जी क्या बता रहे कि पहले के ज़माने में क्या था कि आम आदमी बनने से बेहतर है कि पुजारी बने, क्योंकि उस समय में पुजारी की बहुत ही वाहवाह होती थी, वो प्रसन्ननीय पूजनीय होते क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पढ़ना लिखना जानते थे, कुछ विद्याएं जानते थे और वो वेद का काम भी जानते थे कि कुछ बीमारी का इलाज भी वो कर सकते थे। उसके बाद राजा बनना पसंद किया और उसके बाद आम इंसान, क्योंकि मरने के बाद भी वो देवता और देवताओं को पूजने की तरह उनकी जो मानस पट पे जो बातें हैं वो उसको अच्छी लगने लगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र जो इंदिरा गांधी को लिखा गया था। मुझे आशा है कि आपको ये पत्र अच्छा लगा होगा। पहले के ज़माने में कैसे लोग थे, उनकी सोच कैसी थी, ये सब इस पत्र के द्वारा हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। तो आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।